प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये देखना बताऊंगा कि किस प्रकार आप किसी कुंडली को देखकर ये जान सकते हैं कि जातक का एक विवाह होगा, दो विवाह होंगे या दो से अधिक विवाह होंगे। जन्म कुंडली में जब आप वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो वहां भी बहुत से योग है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जातक का पहला विवाह ही अच्छा चलता रहेगा या पहला विवाह ही ठीक रहेगा या जातक के दो विवाह हो जाएंगे। लेकिन आज का विषय आप आसानी से समझ सके इसके लिए आज का विषय में जो आपको बता रहा हूं ये बताने वाला हूं मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इस विधि के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि विवाह कब पहला विवाह को खराब करने वाले योग बनते हैं और कब उसे बचाने वाले या उसमें खराबी नहीं आने वाले योग बनते हैं। ये बात तो आप जानते हैं कि मैंने पूर्व में भी आपको केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वीडियो दी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली से किसी भी भाव की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस भाव का कैसा प्रभाव मिलेगा। अगर आप पूर्व की केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो यहाँ आई बटन पर जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर आप चले जाइएगा, इससे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार आपको देखना है। मोबाइल से देखना है तो मोबाइल से आप देख सकते हैं, किस प्रकार देखना है उसमें पूरा विस्तार से बताया है। आप एक एक करके देखते जाइएगा, आप पूरी तरह से सीख जाए। बाकी अब आइए आज की वीडियो में मैं सीधे आपको एक जन्म कुंडली की ओर ले चलता हूं और कैसे आपको विवाह की स्थिति का विचार करना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां साइड में आप देखते जाइएगा, अब आपको साइड में यहां पर कुंडली नजर आती होंगी। अब इस कुंडली में आप डिटेल से देख ही पा रहे हैं 3 मई 91, समय सुबह के 5:45 का है, जयपुर का जन्म है, राजस्थान का। जातक की कुंडली आपके समक्ष है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जातक का एक विवाह होगा या दो विवाह होंगे, पहले उस पर पहला विचार इस पर करते हैं हम, क्या विवाह होगा या नहीं इस पर विचार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर जाकर के कृष्णमूर्ति वाले चार्ट को ओपन कर लेता हूं तो देखिए यहां पर आप इनकी कुंडली देख पा रहे हैं। आपको भी जैसा मैंने कहा था मोबाइल में जाकर अगर एस्ट्रोसेज से देखते हैं तो वहां पर जाकर आपको भाव संधि वाले ऑप्शन में जाकर इस प्रकार का जो चार्ट दिखेगा उसमें चले जाना है और वहां पर आपको ये देखना है कि सप्तम भाव के सामने जो उप नक्षत्र स्वामी होता है, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो सब लोड या फिर सर लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आप देखिए कि आपको कौन सा ग्रह लिखा हुआ मिल रहा है। जैसे सप्तम भाव के सामने अगर आप यहां देखेंगे तो यहां शुक्र लिखा हुआ है। इसके बाद आपको देखना है कि जो ग्रह निकल के आया है वो किसके नक्षत्र में है। तो यहां पर शुक्र अगर आप देखेंगे तो शुक्र आप देख पा रहे मंगल के नक्षत्र में है। तो हमारे पास दो प्रमुख ग्रह आ गए, एक तो शुक्र दूसरा मंगल। अब दो ग्रह से हमको देखना है ग्रह निर्देशांक में जाकर के, जो ग्रह निर्देशांक होते हैं वहां पर वो ग्रह कौन कौन से भाव दर्शा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी सप्तम भाव का जो नक्षत्र का स्वामी है और उप नक्षत्र का उसका जो उसका नक्षत्र स्वामी है, दोनों ही जो दो प्रमुख ग्रह आप निकालेंगे वो दोनों ग्रह यदि आपको दूसरा भाव सातवां भाव या ग्यारहवां भाव किसी भी रूप में अगर उनके उनमें आ जाता है तो ये दर्शाता है कि ये आपका विवाह तो अवश्य से करवाएगा, विवाह के योग तो इसी कुंडली में अवश्य से बनते हैं। जब बात दो विवाह की आती है तो यहां कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात का आपको ये ध्यान देना है कि दो विवाह के लिए, दूसरे विवाह के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में नवम भाव का विचार किया जाता है। जो कुंडली का नवम भाव होता है, अगर जो दो प्रमुख ग्रह अभी हमने निकाले यहां पर शुक्र और मंगल निकले, आपके केस में कोई भी निकल सकता है, तो वो जो दो ग्रह निकलेंगे अगर उनमें से कोई भी ग्रह अपने जो ग्रह निर्देशांक वाले अंक होंगे वहां पर नवा भाव दर्शाएगा तो ये प्रबल संभावनाओं को दर्शाता है कि ये दो विवाह करवाएगा, क्योंकि नवा भाव दूसरे विवाह को दर्शाता है। और जब सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी या उसका नक्षत्र स्वामी अगर नवा भाव दर्शाए तो ऐसे में कई बार देखने को मिला कि जातक का दूसरा विवाह होता है। इसे और भी आप मैच कर सकते हैं कि जो दो ग्रह निकल के आए वो अगर बुध की राशियों में या गुरु की राशियों में हो, यानी मिथुन राशि में, कन्या राशि में, धनु या मीन राशि में, अगर उन दोनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो तो ये भी संभावनाएं बढ़ जाती है कि जो विवाह होगा आपका
वो एक से अधिक होगी। विशेषकर गुरु की भी अपेक्षा यहाँ बुध की राशि या बुध की राशियों या बुध का प्रभाव द्विस्वभाव का होता है। बुध कोई भी चीज को डबल करने का या एक से अधिक मात्रा में देने का प्रयास करता है। इसीलिए अगर सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी या उसका नक्षत्र स्वामी, दोनों में से जो प्रमुख ग्रह निकले, दोनों ही अगर बुध की राशि में हो, दोनों में से कोई एक भी बुध की राशि में हो, तो कई बार संभावना बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति के दो विवाह हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बुध भी इनमें से कोई ग्रह बन गया, जो दो प्रमुख ग्रह निकले हमारे, उनमें से कोई एक प्रमुख ग्रह बुध बन गया, तो भी संभावना बन जाती है कि दो विवाह होगा। आप इस चार्ट में देखिए, हमने देखा दो ग्रह निकल के आए, शुक्र और उसका नक्षत्र स्वामी मंगल। आप सबसे पहले शुक्र को देखिए, शुक्र दर्शा रहा है दूसरा भाव, तीसरा भाव, पहला, सातवां और आठवां। अब आपने देखा कि हाँ दूसरा भाव है, सातवां भाव है, विवाह तो ये करवाएगा, विवाह के लिए ठीक नजर आया, पहला भी है, आठवां भी है, तीसरा भी है, तो कुछ रुकावटें साथ में आ सकती है, लेकिन ओवरऑल फिर भी आपने सोचा कि चलो दूसरा सातवां मजबूती के साथ आ गए हैं तो विवाह तो जरूर हो जाएगा। अब ऐसे में विवाह हो जाता है, लेकिन एक और बात पर कंफर्मेशन कीजिएगा कि शुक्र तो सबसे पहले नक्षत्र सब लोड निकल के आया था, उसके नक्षत्र के स्वामी को अवश्य देखिए, यानी मंगल जो यहाँ शुक्र का नक्षत्र स्वामी है उस पर विचार अवश्य कीजिए, वो क्या प्रभाव दे रहा है। जैसे मंगल की बात करेंगे तो मंगल में तीसरा भाव, चौथा भाव, पहला, आठवा, नवा और बारहवा। अब आपने देखा कि विवाह के लिए जो प्रमुख भाव थे दूसरा, सातवा, ग्यारहवा, उनमें से तो कोई भी मंगल में नहीं आया, तो क्या विवाह नहीं होगा? देखिए यहाँ विवाह को नहीं कराने वाले ग्रह मतलब भाव नहीं आए। कौन कौन से भाव विवाह नहीं कराने वाले? पहला भाव, सबसे प्रमुख छठा भाव और फिर दसवां भाव। अगर छठा भाव मजबूती के साथ अगर आ रहा होता तो हम बोलते कि संभावना विवाह नहीं भी हो, लेकिन यहाँ छठा भाव तो आया नहीं। पहला भाव है तो देरी करवा सकता है, जातक की स्वयं की सोच के चलते कि ऐसा नहीं वैसा रिश्ता चाहिए वैसा चाहिए, तो उस कारण से कई बार देरी हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो मंगल में नवा भाव भी आया है। अब चूंकि मंगल में नवा भाव आया है तो ये संभावना दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ दो विवाह के योग बन सकते हैं। तो जातक को आप सतर्क तो कर देंगे, देखो जब भी विवाह करो जल्दीबाजी में मत करना, देखभाल कर करना, नहीं तो विवाह में खराबी आ सकती है। फिर इसके बाद आप एक और चीज विचार कीजिए कि जो आपकी लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली जिसे बोलते हैं, उसमें जो दो ग्रह निकल के आए, क्या उनमें से कोई बुध की राशि में है? आप अगर यहां देखेंगे शुक्र तो अपनी राशि में है, तो शुक्र तो बुध की राशि में आया नहीं, लेकिन मंगल, शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल अगर आप देखेंगे तो मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में और वो बुध की राशि में है। इस कारण से यहाँ संभावना बन जाती है कि व्यक्ति के एक से अधिक विवाह यहाँ पर होने चाहिए। कई बार ऐसी अवस्था में ये भी देखने को मिला, अगर ज्यादा मजबूत प्रभाव न हो, बहुत कमजोरी के साथ अगर नवा भाव आ भी रहा हो, तो कुछ समय के लिए विवाह में खराबी रहती है, लेकिन समझो एक की कुंडली ऐसी है जिसमें दो विवाह के योग नहीं, तो बचाव भी हो जाता है, कुछ समय विवाद वगैरह रहता है दशा के चलते, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। या ये भी संभव है कहीं बाहर अफेयर वगैरह हो जाए, दूसरा का प्रभाव मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर अलग हो जाए, विच्छेद हो जाए और वापस है विवाह वाली स्थिति नॉर्मल हो जाए। तो ये बात आपको कई बार देखने को मिल जाती है। तो यहां आपने क्या देखा कि सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, उसका नक्षत्र स्वामी अगर किसी प्रकार से भी नवा भाव दर्शाए या बुध की राशि में बैठे हो, तो ये दो विवाह के योग को बना सकते हैं। आप चाहे तो इस कुंडली में, तो जो वैदिक ज्योतिष का मैंने आपको सूत्र बताया है नवमांश कुंडली से जुड़ा, अगर आप देखेंगे यहाँ नवमांश कुंडली के जो सप्तम का स्वामी है वो नीच राशि में है, नवमांश कुंडली का सप्तम का स्वामी शनि वो है नीच राशि के अंदर, तो ये बात भी दर्शा रहा है कि यहाँ संभावना अधिक बनती है कि जातक के दो विवाह हो, पहला विवाह विच्छेद हो जाए, टूट जाए, जातक अलग अलग हो जाए, ऐसी बातें यहाँ बढ़ जाती। तो जातक यहाँ तो होता भी यही है, जातक का कुछ समय पूर्व जब विवाह हुआ था तो विवाह कुछ ही समय में टूट गया, दशा आदि भी हालांकि यहाँ पर सपोर्टिंग में नहीं आ रही थी, राहु नवम भाव में है और राहु की ही यहाँ पर अंतर दशा चल रही थी पिछले साल मई से, और नवम में राहु था तो उसने जल्दी ही जातक के दूसरे विवाह के लिए प्रभाव देना चालू कर दिया और जातक को विवाह से विच्छेद कर दिया। तो ये बात आप देख पाते कि जब भी जन्म कुंडली में आप इस बात को देखेंगे कि कुंडली के अंदर कभी भी अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जो सप्तम भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है उसका नक्षत्र स्वामी है नवे भाव को दर्शाए, या फिर कुंडली में विवाह खराब करने वाले भाव, समझो नवम भाव नहीं आया लेकिन विवाह को खराब करने वाले भाव, खराब करने वाले भाव यानी छठा भाव, दसवां भाव, ये भी साथ में है, ऐसे में जातक का विवाह तो हो गया लेकिन वो टिकने वाली स्थिति में नहीं आया,
या फिर ये हुआ कि जो छठा भाव था वो जातक को मतलब परेशानी देने वाली स्थिति में आ गया, क्योंकि एक ही बात है ना यहाँ पर कि सप्तम का स्वामी छठा भाव दे रहा है जो उससे बारवा है, तो विवाह को खराब करेगा, विवाह की हानि करेगा। अब उसने विवाह की हानि करना है, पहले तो योग नहीं थे लेकिन जातक ने कैसे भी चलो विवाह कर लिया, लेकिन वो जल्दी ही टूट जाएगा या जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो ये बात कई बार देखने को मिलती है विवाह को लेकर के। इसीलिए जन्म कुंडली आप किसी की भी देखे, ये विचार करें कि नवमांश कुंडली के अपना ये केपी कुंडली के आधार पर किस तरह का प्रभाव आ रहा है। केपी कुंडली हालांकि उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना देखिए कि भाव निर्देशांक के अनुसार जो भी ग्रह सबलोड बना है वो आपका किसके नक्षत्र में और वो दोनों ग्रह निर्देशांक में कौन कौन से भाव दे रहे हैं, उसी से आपको पूरा पता लग जाएगा उसके सप्तम भाव के बारे में, विवाह के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। तो ये था विवाह से जुड़ा सूत्र। अब इसमें दो विवाह आपने देखे, अब मान लो किसी का दूसरा विवाह भी खराब हो गया, दूसरे विवाह में भी आपको देखना है कैसा रहेगा, तो क्या करोगे? दूसरे विवाह का जो उप नक्षत्र स्वामी हो, यानी नवम भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी हो, उसके नक्षत्र स्वामी से आपको विचार करना है। कैसे करना है आइए वो भी मैं आपको साथ में बता ही देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। यहां वही कुंडली मेरे सामने है, पहला विवाह तो आपने देखा कि खराब हो गया, आप दूसरे की स्थिति देख लेते कैसा रहेगा, क्योंकि कई बार प्रश्न रहता है कि दूसरा आखिर कैसा रहेगा, पहला तो चलो हो गया खराब, बाकी दूसरा कैसा रहेगा। तो आपको चले जाना है नवम भाव पर। नवम भाव में आप देखिए कि उप नक्षत्र स्वामी कौन है, यहां कौन है, यहां आपने देखा शनि है, ठीक है। अब आपने देखा शनि किसके नक्षत्र में है, तो शनि चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में। आप चले गए ग्रह निर्देशांक वाले स्थिति में, वहां आपने देखा शनि जो है 10वां भाव, 8वां भाव, 4था भाव और 11वां भाव। 11वां है पॉजिटिव विवाह कराने वाला भाव होता है, बाकी चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा को देखिए 3रा, 8वां और 4था। 8वां भाव अधिक मजबूती के साथ यहाँ दोनों में आया हुआ है, चौथा भी आया हुआ है, चौथा व्यक्ति का मन है, तो यहाँ व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश है, निराश होगा, वो विवाह नहीं करना चाहेगा, ये संभव है। यानी दो विवाह खराब हो गए तो मतलब दूसरा विवाह या तो वो करना ना चाहे, टाले, क्योंकि देखो नवम भाव से 12वां कौन सा भाव होता है, 8वां भाव। ऐसे में नवम भाव की हानि कौन सा भाव करेगा, 8वां भाव करेगा। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जब भी नवम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 8वां भाव देगा तो संभावना ये बनती है कि व्यक्ति का मन ही ना करे और वो बाद में मना कर दे कि मुझे विवाह नहीं करना है, जैसी स्थिति में अकेले बिताऊंगा, आगे अकेला रहूंगा, ये संभावना कई बार बढ़ जाती है। यहां हालांकि 11वां भाव आया है जो कुछ संभावनाओं को दर्शा रहा है, ऐसे में कुछ अनुकूल दशा आदि में तो विवाह हो सकता है, लेकिन चूंकि 8वां भाव दोनों में मजबूती के साथ नजर आता है, दोनों ही उसमें 8वां, 3रा, 4था भाव नजर आ रहा है, तो ये विवाह के लिए सकारात्मक भाव तो है नहीं। इस कारण से आप ये देख पाएंगे कि ये अवस्था दर्शाती है कि यहां जातक दूसरा विवाह नहीं करे या दूसरा विवाह हो ही ना, इसकी संभावना यहां बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि कैसा प्रभाव रहने वाला है, क्या स्थिति नजर आती है। तो ये जब आप विचार करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आखिर विवाह की स्थिति कैसी रहने वाली है, कैसा प्रभाव आने वाला है। नवम भाव से दूसरे विवाह को देखेंगे। अब यहां आपने देखा कि दूसरा होने के योग तो नहीं है, कमजोर है, तो अब जातक बोले नहीं मुझे तो करना ही है, तो फिर क्या कहेंगे कि देखो आप करोगे तो सही लेकिन वहां खराबी देखने को मिलेंगी, परेशानी आपको आएंगी, या फिर जिससे विवाह हो उनसे आपके तालमेल उतने अच्छे ना रहे, इतना अच्छा प्रभाव आपको ना मिल पाए, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब 8वां भाव आया है तो वो तो परेशानी उत्पन्न करेगा, और जब परेशानी उत्पन्न करेगा तो इसका एक ही मतलब है कि जातक को दूसरे विवाह में भी परेशानी आएंगी। अगर किसी का इसका उलट काम होता कि दूसरा मतलब नवा भाव आपने देखा दूसरे विवाह के लिए, नवे भाव की स्थिति पर आपने विचार किया, उप नक्षत्र स्वामी पर, उसके नक्षत्र स्वामी पर आपने विचार किया, आपने देखा बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छे सकारात्मक दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, यही सब भाव आए हैं, तो आप देखेंगे कि ये विवाह की स्थिति को दर्शा रहा है कि हाँ अच्छा रहेगा, ज्यादा परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी मान लीजिए केवल 11वां भाव बहुत मजबूत स्थिति में आया और 9वें के उप नक्षत्र स्वामी भी आपने ये देखा कि वो चले गए द्विस्वभाव राशियों में, मतलब बुध की राशियों में, मिथुन या कन्या राशि में, तो आप देखेंगे ऐसे में संभावना बन जाती है 11वां भाव क्योंकि तीसरी शादी का है, तो ऐसे में योग बन जाते हैं कि दूसरा विवाह विच्छेद हो जाए और फिर तीसरी शादी की ओर बढ़ना पड़े, ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए कुंडली में आप जब भी देखें तो इसका जो मैंने आपको बातें बताई है इसका विचार आप जरूर से करें, आप ये जान जाएंगे कि आखिर किस प्रकार विवाह की। और जैसा मैंने कहा केपी एस्ट्रोलॉजी में जरूरी है समय का थोड़ा सही होना, तो वो आप अगर नहीं मैच कर रहा आपकी बातों से, समझ लीजिए आपने किसी की कुंडली देखी, कुंडली आपने देखी विवाह कभी खराब नहीं हुआ, ठीक रहा सब,
तो आप सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को मतलब 5-10 मिनट समय आगे पीछे करेंगे तो उसके आधार पर मैच कर लीजिए किसमें सही आ रहा है, क्योंकि ये करना आपको चाहिए इसमें। क्योंकि 5-10 मिनट में आप जानते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह के जो निर्देशांक है सब लोड आदि है वो बदल जाते हैं कई बार, तो इसीलिए आप उसका विचार कर लीजिए कि कौन सा सही बैठ रहा है आपके जीवन से। और अगर आपको नहीं पता, आपको पता है समय आदि सब सही है, तो जो आपकी कुंडली में आता है उसे सही मानिए और सामने वाले को सही बता दीजिए, आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही प्रभाव इसी तरह का जो आपकी कुंडली में आएगा वही प्राप्त होगा। तो ये था केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा विषय, आपको बस ये देखना है। अब किसी का प्रश्न आ सकता है कि चलो विवाह विच्छेद का तो आ गया, लेकिन विच्छेद होगा कब? तो ये विचार दशा से होता है। अब चूंकि एक का तो विवाह विच्छेद होगा नहीं, दो लोगों का साथ में विवाह हुआ तो दोनों का विच्छेद होगा, इसीलिए जरूरी ये है कि दोनों की कुंडली में एक साथ देखा जाए कि आखिर योग बन रहे हैं या नहीं, या एक की कुंडली में तो है दूसरे ने बचाव कर लिया तो बात ही नहीं बनी कभी की विच्छेद हो पाए, थोड़ी विवाद मन मुटाव रहा लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गया, या फिर उस समय थोड़ा खराबी रही लेकिन बाद में ठीक हो गया, तो ये बात भी होती है। इसीलिए हमेशा ये नहीं बोला जाएगा कि एक की कुंडली में है तो वो खराब होगा ही होगा, बाकी दूसरे की कुंडली पर भी विचार, क्योंकि साथ में जब मिला रहे आप कुंडली तो फिर कुंडली मिलाने का क्या उचित है? अगर आप मिलाते तो ये बात तो ठीक है, उसके अंदर सामने वाले का इस तरह का मैचअप हो जाए जो कि आपके लिए खराब वाला ना हो, तो इसीलिए आप उस पर विचार कर सकते हैं। बाकी जो मैंने जानकारी दी है आपको कैसी लगी, आपको कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, या तो मैं इसी वीडियो के कमेंट में, या फिर जब मैं आपको प्रत्येक रविवार को लाइव में मिलता हूँ तो उस वीडियो में मैं आपके समक्ष आऊंगा और आपके जो वीडियो में कमेंट में आप प्रश्न करते हैं उनके उत्तर भी आपको प्रदान करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।